नमस्ते, मैं भोपाल रोहतगी। जी हाँ, मुझे लग रहा है और भी ज्यादा कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल किया गया है, जितना मैं इसके ऊपर और पढ़ रही हूँ। मैंने न्यूज पढ़ी कि कोई साइकाइट्रिस्ट है करसी चावड़ा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट किया था। जी हाँ, ये करसी चावड़ा नाम बहुत ज्यादा पहचाना है, क्योंकि जब मैं मुंबई में अकेले रहती थी, जी हाँ संग्राम जी मेरी लाइफ में आए उसके पहले, तब मैं भी एक डिप्रेशन के फेज से गुजर रही थी। और दिवाकर बैनर्जी, द सो कॉल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, जिन्होंने छिछोरी हरकत करने का प्रयास किया, नोइंग दैट आई एम नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, वो दिवाकर बैनर्जी ने करसी चावड़ा करके एक साइकाइट्रिस्ट का नाम रेकमेंड किया था। और करसी चावड़ा को मिलने मैं भी गई थी, एक दो बार गई थी। उनका क्लिनिक उस समय खार में हुआ करता था। और करसी चावड़ा की आदत है कि वो सभी को बायपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोस करते हैं, तो उन्होंने मुझे भी बायपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोस किया, कुछ दवाइयां दी, जो दवाइयां ऑब्वियसली बहुत ज्यादा और आदमी को डिप्रेस्ड कर देती है। तो ये करसी चावड़ा, जो शायद एलुमनाई थे महेश भट्ट के साथ, वो करसी चावड़ा सुशांत सिंह राजपूत को भी दवाइयां दे रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर की, ऐसा पता चला है, ऐसा कंफर्म्ड न्यूज है। तो ये करसी चावड़ा इज लिंक्ड विद महेश भट्ट, इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ दिवाकर बैनर्जी, जिसकी फिल्म ब्योमकेश बख्शी में सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, ये सबको पागल करार करने का धंधा करते हैं, सो दैट ये करने से वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और लोगों को अपने क्लिनिक में अट्रैक्ट कर सके, ये कहकर कि वो स्टार भी मेरे पास आता है, वो स्टार भी मेरे पास आता है, ये सब स्टार डिप्रेस्ड है, मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं और मैं सबको ठीक कर रहा हूं। तो ये एक साजिश हो सकती है। करसी चावड़ा नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आगे बात करते हैं अबाउट महेश भट्ट साहब एंड हिज सो कॉल्ड लव फॉर रिया चक्रवर्ती। उनका जो प्यार है फॉर रिया चक्रवर्ती इज कंप्लीटली अबनॉर्मल। आई अंडरस्टैंड ही कम्स फ्रॉम द थॉट प्रोसेस विच इज वेरी वेरी मॉडर्न, जहां पर वो अपनी बेटी पूजा भट्ट को भी किस कर सकते हैं, बिकॉज ही डज नॉट फील इट टू बी अगेंस्ट नॉर्मल बिहेवियर। मगर कहीं ना कहीं महेश भट्ट साहब का बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद रिया चक्रवर्ती इज अबनॉर्मल, बिकॉज ऐसा बिहेवियर मैंने उनका श्रद्धा कपूर के साथ नहीं देखा, जिन्होंने भी उनके कैंप में एक फिल्म करी है। There has been proper distance maintained between महेश भट्ट and श्रद्धा कपूर, but proper distance has not been maintained between महेश भट्ट and रिया चक्रवर्ती। आगे बात करते हैं, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ये वीडियो में आप देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत की एंड पुलिस अफसर और वो बेडरूम जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की लाश पाई गई, वहां पर दिखाया जाता है कि उनकी लाश फ्रॉम अ दुपट्टा, ग्रीन कलर का दुपट्टा है। एंड सुशांत सिंह राजपूत जो इतना वर्कआउट करने वाले इंसान है, वो अगर हैंग भी अपने आप को कर रहे हैं, तो जब वो पेन चालू होगा, तो जो आदमी खुद की बॉडी को लिफ्ट कर सकता है, उसने कैसे अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं किया और इतना सारा पेन टॉलरेट किया। उनके शरीर पर मार्क्स है, जिनके ऊपर जब मैंने कल कोई डिबेट करी थी फॉर इंडिया न्यूज चैनल, तो वहां पर क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि ये बॉडी के ऊपर मार्क्स तभी आते हैं जब कोई आपको दबा रहा होता है। उनकी आंखें और उनके नाक और उनके मुंह का जो स्थिति था आफ्टर द पिक्चर्स वर रिवील्ड ऑन सोशल मीडिया, वो कहीं से भी उस इंसान से मैच नहीं करता था जिस इंसान ने फांसी ली हो। इट वॉज ऑल साइंस ऑफ बीइंग स्ट्रैंगुलेटेड। So, सुशांत सिंह राजपूत एक जर्नल मेंटेन करते थे, ऐसा उन्होंने कहा है, और वो जर्नल के अंदर उन्होंने क्या लिखा था, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबको जानने के लिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की दो फिल्में स्टार्ट होने वाली थी, वन विद डायरेक्टर रूमी जाफरी एंड वन विद हिज फ्रेंड कॉल्ड एज संदीप सिंह। नाउ संदीप सिंह कह रहे हैं कि कैसे अंकिता लोखंडे, हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड और हिज लॉन्गेस्ट गर्लफ्रेंड, शुड हैव बीन विद हिम बिकॉज शी वुड हैव कंट्रोल्ड हिम फ्रॉम टेकिंग सच अ ड्रास्टिक स्टेप। मगर यहाँ पर भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जो रोहिणी अय्यर है, जो सो कॉल्ड रेनड्रॉप मीडिया की PR है, उसने तो ऑब्वियसली कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनका बेस्ट फ्रेंड था, मगर ये रोहिणी अय्यर ही शायद रिस्पॉन्सिबल थी फॉर ड्रैगिंग सुशांत सिंह राजपूत अवे फ्रॉम अंकिता लोखंडे, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत फेमस हो रहे थे, तब अंकिता लोखंडे मलाड में रहती थी और वो उनके साथ मलाड में रहते थे, मगर अपने आप को हिप और हैपनिंग बताने के लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, ऐसा कह रही है रंगोली चंदेल, कंगना की बहन, बिकॉज दैट इज हाउ द PR ट्राइज टू इन्फ्लुएंस योर माइंड।
एंड नए नए दोस्तों की तलाश में उसने अपना पुराना प्यार, अपना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप छोड़ दिया एंड दिस नए नए दोस्त डिजर्टेड हिम। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज है, सब एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये करजी चावड़ा का एंगल बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि करजी चावड़ा हैज अ हैबिट ऑफ डायग्नोसिंग एवरीबडी विद बाइपोलर डिसऑर्डर, फिर आपको ऐसी दवाइयां देते हैं जो आपको और डिप्रेस्ड कर देती है, बिकॉज मुझे ये सब पता है क्योंकि ये मेरे साथ आप बीती हुई है। आई वेंट टू करजी चावड़ा एंड आई स्टॉप्ड गोइंग टू हिम बिकॉज आई रियलाइज दैट दिस इज अ विशियस सर्कल, ये तो एक तरफ मेरे से पैसे भी ले रहा है, दूसरी तरफ मुझे पागल करार करने के और साजिश कर रहा है। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन मर्डर्ड। आई ओनली होप दैट मुंबई पुलिस इज एबल टू डू द कार्यवाही ऑफ दिस केस प्रॉपरली, बिकॉज बहुत सारे लिंक्स कह रहे हैं कि शायद मुंबई पुलिस इज गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड प्रेशर इज सच दैट दे वॉन्ट दिस होल डेथ टू लुक लाइक अ सुसाइड एंड नॉट लाइक अ मर्डर। तो मैं आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आई हैव felt very sad and I have remembered the times that I felt low and depressed in Mumbai and how I was subjected to meeting these psychiatrists jo humko obviously aur pagal karne par aur pagal karne ki koshish karte hain। अब ये करजी चावड़ा का एंगल तो मैंने आपको बता दिया। अब ये सब बातचीत के बीच में सोनम कपूर कर्मा की बात करती है। जी हाँ, सोनम कपूर जो ऑब्वियसली नहीं डाइजेस्ट कर सकती ये फैक्ट कि सब उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोनम कपूर, आप अपने बाप की बेटी हैं ये तो हमें पता है, क्योंकि आप इतनी बेवकूफ है कि आप अनिल कपूर सर की ही बेटी हो सकती है, क्योंकि अनिल कपूर सर शायद अपने कोई पिछले जन्म का पाप धो रहे होंगे आपको जन्म देकर, क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं लग रहे, मगर आप बेवकूफी तो हम सबको पता चल गई है। सोनम कपूर has apparently blocked me because उसको obviously मेरे videos पसंद नहीं आए, और वो अभी कह रही है कि जो लोग उसे गाली दे रहे हैं वो कर्मा के अनुसार पनिश्ड होंगे, और वो कह रही है कि she is privileged to be born in the Anil Kapoor family because she is privileged because वो उसके कर्मा के अनुसार अपने रिच फादर के घर में पैदा हुई है। तो सोनम कपूर जो हिंदुइज्म को गाली देती है, करवा चौथ का मजाक उड़ाती है, ये कहती है कि करवा चौथ इज रिग्रेसिव, उसको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अनिल कपूर जी के घर में पैदा हुई आपके कर्मा के अनुसार, और यही थ्योरी हमारे में थी, सनातन धर्म में थी, कि लोग अपने कर्मा के अनुसार अलग अलग वर्णा में पैदा होते हैं, मगर अपने कर्मों के अनुसार पैदा होने के बावजूद भी ये जन्म में अच्छे कार्य करके, पढ़ाई लिखाई करके वो अपने वर्णा सिस्टम वर्णा बदल सकते हैं। मगर आपको तो ऑब्वियसली ये थॉट प्रोसेस सुनकर लगेगा कि हिंदुइज्म रिग्रेसिव है, करवा चौथ रिग्रेसिव है, मगर आज जब आपको सब लोग ट्रोल कर रहे हैं, आपकी नेपोटिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब आप बैठ के कर्मा की बात कर रही है। तो सोनम कपूर, जिसको सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं लगता था, उसको मैं ये कह दूं कि आपका हस्बैंड बिल्कुल भी भद्दा है, बिल्कुल ही भद्दा है और बिल्कुल हॉट नहीं है, मगर उसके बावजूद शायद आपने उसके साथ शादी इसलिए करी है बिकॉज मैंने सुना है कि उसके पास एक बहुत बड़ा बंगलो है दिल्ली के अंदर। सो योर क्राइटेरियाज आर क्लियर बट यू हैड नो राइट टू कॉल सुशांत सिंह राजपूत नॉट हॉट बिकॉज योर क्राइटेरियाज ऑफ अ हॉट मैन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरियाज ऑफ अ एक्चुअली हॉट मैन। तो सोनम कपूर ने मुझे ब्लॉक किया क्योंकि सोनम कपूर को अच्छा नहीं लग रहा कि लोग आवाज उठा रहे हैं ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। दूसरी तरफ सलमान खान ने फैंस को रिक्वेस्ट किया है, अपने फैंस को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप बैठ के सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, के फैंस के खिलाफ कुछ कार्रवाई मत करिए, वो गुस्से में है। ऑब्वियसली वो गुस्से में है सलमान खान जी, बिकॉज ऐसे नहीं होता कि आप हर साल कभी बड़े होते जाते हैं एज से इन रियल लाइफ, मगर ऑन कैमरा आप 25 साल का रोल ही प्ले कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपके सहयोगी ऊपर चले जाते हैं और आप नीचे रहकर उनके बारे में ट्वीट करते हैं आरआईपी। तो ये सुनकर, ये देखकर कहीं ना कहीं कभी ना कभी बुरा लगता है, क्योंकि आप अच्छे इंसान अगर हैं तो आपको अच्छे इंसान बनने का ड्रामा नहीं करना पड़ता, आपको बीइंग ह्यूमन करके ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का इतना प्रोपेगेंडा नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन आपने तभी चलाई जब आप के ऊपर हिट एंड रन का आरोप लगा। जी हाँ, आप वो हिट एंड रन केस से बरी हो गए, मगर आप
इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं वो हिट एंड रन केस में, क्योंकि आप वो गाड़ी में मौजूद थे, चाहे आप वो गाड़ी चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, बिकॉज कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है एंड आई हैव टू गो बाय द कोर्ट्स फैसला, आप उस हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व थे। तो वो हिट एंड रन केस के बाद आप बीइंग ह्यूमन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जहां पर मैंने सुना है कि आप 500 की जीन्स 5000 में बेचते हैं, इट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे दिल को ठेस पहुंची, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं समझती थी कि आप अच्छे इंसान हैं और आपको बुरा लोग कहते हैं ऐसे ही, मगर आप कहीं ना कहीं अच्छे हैं, मगर आपका ये बर्ताव देखकर, आपका ये बायस्ड बिहेवियर देखकर, आपका ये माय वे और हाईवे एटीट्यूड देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा सलमान खान जी। एंड आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आपको अच्छे इंसान होने का ड्रामा नहीं करना पड़ता। ये बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हम सबको पता है किस लिए बनाई गई, मगर ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर आप अच्छा कार्य कर रहे तो ये देखकर मैं खुश थी, मगर अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के नकाब के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या 500 की चीज 5000 में बेच रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा गलत है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, क्या वो सुसाइड थी, क्या वो मर्डर? मुझे अभी लग रहा है कि वो मर्डर थी। उनकी जर्नल को पढ़ना बहुत जरूरी है, उनकी जर्नल को मैं चाहती हूं कि पब्लिक डोमेन पे रिलीज की जाए, सो दैट वी ऑल नो एक्चुअली व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, बिकॉज जो आदमी सुसाइड करने वाला होता है वो पोमोग्रेनेट जूस पी के रूम में जाके फिर सुसाइड नहीं करता। कहा जा रहा है कि शायद हिज सर्वेंट्स वर इन्वॉल्वड इन किलिंग हिम, बिकॉज उनकी डुप्लीकेट की मिसिंग थी, जैसे मैंने आपके साथ पहले अपने वीडियो में शेयर किया। सो बहुत सारे एंगल्स हैं, मगर बॉलीवुड के सो कॉल्ड नेपोटिज्म किड्स चाहते हैं कि हम सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बात नहीं करें, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर हम बात करते हैं तो उनका नकली फेकनेस दिखाई दे जाती है, इन दोगले लोगों की नकलीनेस और फेकनेस दिखाई दे जाती है। तो ये चाहते हैं कि हम इनके ऊपर, हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर बात नहीं करें, मगर हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उनको पागल करार करने की एक साजिश की गई है, और उस साजिश में महेश भट्ट से लेके उनके साइकाइट्रिस्ट करसी चावड़ा से लेके शायद उनकी गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लेके शायद उनके नौकर से लेके सब शामिल है, क्योंकि जो कोई माह पे उनके रूम के अंदर कोई स्टूल भी पाया नहीं गया जिससे उन्होंने, जिसके ऊपर खड़े होके उन्होंने पंखे से एक दुपट्टे से लटक के अपनी जान दी। उनकी आईज, उनका नोज, उनका माउथ की जो कंडीशन थी वो कंडीशन नहीं थी जो एक हैंग्ड बॉडी की होनी चाहिए। उनके जो फीट के पोजिशन थे वो पोजिशन नहीं थे जो एक हैंग्ड बॉडी के होने चाहिए। सो कहीं ना कहीं देयर इज अ बिग साजिश। जो आदमी कंपनीज रन कर रहा होता है, जो आदमी इतना इंट्रीग्ड होता है विद एस्ट्रोनॉमी, वो एक्चुअली सुसाइड कर रहा है, तो ये एक बहुत ज्यादा गलत चीज है। मगर अगर उसे मर्डर किया गया है तो वो उससे भी ज्यादा गलत चीज है, और कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। एंड आई रियली होप दैट वी डोंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट सुशांत डेथ, यू मी एवरीबॉडी, वी नीड टू कंटिन्यू टॉकिंग About Sushant's death, because Sushant की मौत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। Nepotism culture भारत के बॉलीवुड से खत्म होना चाहिए, और भारत के अंदर ये जो बॉलीवुड का ट्रेंड है जिसके अंदर गुंडागर्दी करते हैं लोग, उनको ये ट्रेंड खत्म करना चाहिए। Only talent should survive. जय हिंद, भारत माता की जय।